जाएगी सीधे फिर नाले में, अरे ब्रेक है नहीं चल। नमस्कार दर्शकों, जेके क्राइम वॉच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेश खिजुरिया। इस वक्त जेके क्राइम वॉच की टीम वार्ड नंबर 8 मल्ला सराय पूंछ में हम इस वक्त मौजूद हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पे एक पाइप लाइन का जो काम चल रहा था उस पर मेरे आप कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि ठेकेदार ने किस तरीके की पाइप लाइन यहाँ से बिछाई हुई है। जितने किलोमीटर भी ये पाइप लाइन बिछी हुई है बिल्कुल वो अंडरग्राउंड नहीं है, रोड के सामने और दिखाई दे रही है, मेरे कैमरा मैन दिखाएंगे। और यहाँ पे कुछ ही देर पहले टाइलों का काम हुआ था, वो भी किस तरीके से हुआ था आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि टाइलों की क्या हाल थी। लेकिन पाइपों को लेके चलें, पाइपें बिल्कुल सामने जिसमें जो है किसी न किसी को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि मोटरसाइकिल वगैरह इस पर जब चलते हैं तो पाइप बाहर होने की वजह से काफ़ी नुकसान होता है। तो इस पर डीसी यासीन चौधरी जी से अपील है कि फौरी तौर पर जो है वेरीफाई किया जाए कि किस ठेकेदार ने यह काम किया है जिसने ये पाइपें जो हैं इनको ज़मीन के नीचे रखना था और उसने बिल्कुल ये पाइपें ओपन रखी हुई। ये कौन सा ठेकेदार है इसका पता लगा के इसकी जो है लाइसेंस इसको कैंसिल किया जाए ताकि आइंदा के बाद ऐसा काम जो है पूरे शहर में और कहीं भी जो है ऐसा ठेकेदार जो है वो काम न कर पाए। जबकि क्राइम वॉच की टीम की ओर से राजेश खजूरिया की है।